सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले, और साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो कीजिए। शुरू होने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो आप तभी देखना जब आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो या देश के लिए कुछ करने का जुनून ना हो। नमस्कार, मैं भारत इंडियन। आज मैं बात कर रहा हूँ उस समय की जब कहा जाता था भारत को सोने की चिड़िया, लेकिन फिर फिरंगियों ने और अंग्रेज ने मिलकर किया इस देश पर ऐसा जादू कि ना सब हमको हम सभी भारतीयों को लूट गए बल्कि भारत पर कब्जा भी कर लिया। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे कई क्रांतिकारी ने अपना प्राण न्योछावर कर दिए इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए, लेकिन आज भी उस फिरंगियों के बुक में लिखा है भगत सिंह एक टेररिस्ट है। जी हाँ, आज भी उस भगत सिंह जो 21 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गई थी, आज उसको टेररिस्ट का दर्जा दिया जाता है। और जिसके कारण मैं ये कहना चाहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि आज और अभी से मैं ये कहना चाहता हूँ आज और अभी से भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र घोषित करें। जी हाँ, भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र घोषित करें। गांधी अगर इस देश के राष्ट्रपिता है तो उससे मैं कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भगत सिंह को भी राष्ट्रपुत्र का दर्जा मिलना चाहिए और वो मैं दिला के रहूंगा। और मैं इंडियन पेरेंट्स से भी सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजे या ना भेजे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लोग अपने बच्चों को भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के बारे में जरूर कुछ बताए, देशभक्ति के बारे में क्या है क्या नहीं सब कुछ सच्चाई बताए, ताकि आने वाले बच्चे भी जाने कि भगत सिंह कौन थे और आजाद कौन थे। राष्ट्रवाद मेरी परिभाषा है, अगर उससे किसी को भी आपत्ति है तो मुझे भी उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बड़ी जॉब करते हो या ना करते हो, आपका कितना बड़ा नाम है, यहाँ पे ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा। सिर्फ आप सच्चे देशभक्त हो या नया हो, इससे बहुत कुछ फर्क पड़ता है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ और आज भी बता रहा हूँ कि राष्ट्रवाद किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी या पक्ष का साथ नहीं देता, वो सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति और लोगों को जागरूक करने का काम करता है, लेकिन वो सब तभी होगा जब आप साथ देंगे। जी हाँ, आपके सपोर्ट की इस वक्त हमें बहुत ज़रूरत है, तो मैं पूरी उम्मीद के साथ आप लोगों के पास आया हूँ कि आप लोग जरूर हमें सपोर्ट करेंगे और लोगों को जागरूक करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करने से ज़्यादा तो फायदा तो मेरा ही होगा, लेकिन अगर इस वीडियो से आप लोग कुछ सीखते हैं तो इस देश के साथ साथ आपका भी फायदा होगा। जय हिंद, जय भारत।